हेलो एवरीवन, मैं संजय उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे ऑनलाइन पार्ट टाइम टाइपिंग जॉब करके अपने लिए एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। और जिस वेबसाइट पे आप ये काम कर सकते हैं उस वेबसाइट का नाम है fiverr.com। दोस्तों, ऐसे fiverr.com पे तो और भी कई तरह के पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल हैं और आप अपने हिसाब से उस पे कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारा इसी तरह का जो भी लेटेस्ट वीडियो प्रोडक्शन हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने प्रोफेशनली स्टेनोग्राफी का कोर्स किया है, टाइपिंग भी आती है उन्हें और शॉर्ट हैंड भी, पर वो कोई अच्छा रेगुलर वर्क नहीं कर पाते हैं। वो जॉब वर्क लाते हैं और उसे टाइप करके जिसके वो काम होता है उसे जाके दे आते हैं और उसके एवज में उनको कुछ पैसा मिलता है। ऐसे वो 3-4 जगह पे जॉब वर्क उठाते रहते हैं और काम करते रहते हैं, पर रेगुलर वर्क ना मिलने से उनको आमदनी का बड़ा दिक्कत होता है और उनकी फाइनेंशियली बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने मेरे से बात करते हुए बोला कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, तो मैंने उनसे यह सुझाव दिया कि आप ऑनलाइन पार्ट टाइम टाइपिंग का जॉब क्यों नहीं करते हैं। इससे एक तो फायदा ये होगा कि आपको रेगुलर जॉब मिलेगा, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और काम करके आप ऑनलाइन ही सबमिट कर देंगे और एक अच्छी इनकम आपके खाते में आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ज्यादा काम उठा लेते हैं तो आपको जानकारी है ही है, आप कुछ और लोगों से भी टाइपिंग करा के उस काम को उस वेबसाइट पे जिसके आपने काम उठाया है उसको सबमिट कर सकते हैं। ये बात उनको पसंद आई और उन्होंने ये पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी टाइपिंग जानते हैं, आपकी भी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आप कोई भी भाषा जानते हैं और आपकी स्पेलिंग वगैरह ज्यादा गलती नहीं होती है, तो आप भी fiverr.com पे आके अपने आप को रजिस्टर करें, गिग उठाएं और अपना काम करके अपने लिए महीने का एक अच्छा इनकम करें। मैं आपको इस वेबसाइट में गिग कैसे उठाते हैं, फिर अपना प्रपोजल कैसे सबमिट करते हैं, कैसे अपने वर्क को सॉलिसिट करते हैं, कैसे वर्क को सबमिट करते हैं और कैसे अपना बैंक अकाउंट अपने जो रजिस्ट्रेशन है उस प्रोसेस से कैसे लिंक करते हैं, इस सब की जानकारी दूंगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में और हमारे वीडियो को आप स्किप करके भी ना देखें ताकि आप कोई पॉइंट ना छूटे। तो मैं अब आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हमारे कुलीग मिस्टर नितिन, जो कि रजिस्ट्रेशन, गिग उठाने और सबमिट प्रपोजल सबमिट करना, कैसे बैंक अकाउंट लिंक करना, इस सब की जानकारी रखते हैं, इसके एक्सपर्ट हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से इसकी जानकारी देंगे। तो चलिए अपने लैपटॉप पे, स्क्रीन पे, और ये वो आपको मोबाइल पे भी बताएंगे कि आप ये सारा काम मोबाइल से कैसे करके अपने लिए एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो नाउ ओवर टू मिस्टर नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज मैं बताऊंगा fiverr.com पे आप टाइपिंग जॉब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे अपना गिग क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं, एड्रेस बार में डालेंगे fiverr.com। ये fiverr.com की साइट जो है वो खुल गई है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की एक कैटेगरी है पूरी। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे जो कैटेगरीज हैं यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इन सब कैटेगरीज में ना, क्या नाम है, कुछ कंटेंट जो होते हैं वो टाइप करने की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कंटेंट PDF में होते हैं, कुछ कंटेंट वर्ड में होते हैं या किसी और फॉर्मेट में होते हैं, इमेजेस में होते हैं, तो उनको कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट में। तो यहीं पे हम अपनी टाइपिंग जॉब जो है यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ के सर्च बार में हम डालेंगे टाइपिंग जॉब। हमने यहाँ पे टाइपिंग जॉब डाला है, देखेंगे आप यहाँ पे हमें जो कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये हमारी ही तरह यहाँ पे जॉब खोजने के लिए इन्होंने अपनी गिग्स बना रखे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि फ्रीलांसर पे हमें कोई भी काम पाने के लिए या कोई जॉब पाने के लिए
सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है। प्रोफाइल बनाने का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी इससे पहले बना लिया है और उसका जो लिंक है मैंने वहाँ डाल दिया है, तो आप जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आप वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं, समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टाइपिंग जॉब की गिग कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे और ये हमने लॉगिन कर लिया है अपने अकाउंट पे। तो अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, ये हमारा डैशबोर्ड है और यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप गिग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का बटन नज़र आएगा जहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू गिग, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गिग का टाइटल मांग रहा है, गिग की कैटेगरी मांग रहा है और जो सर्च के कुछ टैग्स होंगे वो यहाँ पे मांग रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये सारा काम आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या नाम है हमारे मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन पे कैसे करते हैं। तो अभी मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलता हूँ। हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए हम अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ से भी आप जो है अपनी गिग क्रिएट करके और जॉब जो है सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो आप देखिए एकदम सेम उसी तरह से दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एकदम वेबसाइट की तरह यहाँ पे दिखाई दे तो आप यहाँ से इसको इस तीन बटन को क्लिक करके आप इसको क्लिक कर दीजिए तो आपको एकदम वेबसाइट का जो लुक होगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब हम वापस चलते हैं अपने मोबाइल व्यू पे। तो हम यहाँ मोबाइल व्यू पे वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे इसके आगे की चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जहाँ पे और अच्छे से हम कैसे गिग क्रिएट करके जॉब पा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बैक टू अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। हम ये अपनी स्क्रीन पे वापस आ गए हैं। अब हम यहाँ पे अपना गिग जो है वो क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना टाइटल डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना टाइटल डाला तो फिर यहाँ पे ये बोलता है कि अपना जो टाइटल है आप शॉर्ट रखिए, तो हम अपना टाइटल जो है थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइटल अपना शॉर्ट किया तो वो अपने आप हट गया और कहा कि जस्ट परफेक्ट। तो आप इसी तरह से ये इसके जो सॉफ्टवेयर है इस वेबसाइट का वो भी आपको अपनी गिग जो है क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अभी ये सजेस्ट कैटेगरी शो कर रहा है कि आप डेटा एंट्री में टाइपिंग एंट्री जॉब ढूंढना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पे आप बहुत सारी जो है कैटेगरी जो है यहाँ पे शो जैसे कि लीगल कंसल्टेंसी या डेटा एंट्री, तो हम यहाँ पे डेटा एंट्री रहने देते हैं। और जो है यहाँ पे कुछ जो हम अपने 5 कीवर्ड्स जो है 5-7 कीवर्ड जो है यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड ले लिया अपना, इन दूसरा कीवर्ड है, इसी तरह हम और भी कीवर्ड्स लेते चलेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने जो 5 कीवर्ड्स हैं वो सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मुझको पैकेज बनाने के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पे हमें अपना पैकेज जो है वो क्रिएट करना होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने अब पैकेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। मेरे पैकेज का जो नाम था वो मैंने बेसिक रखा है और ये मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है वो डाली है और यहाँ पे एक दिन में मैं इसको डिलीवर करूँगा और इसके अंदर मैं 1 घंटा या 2 घंटा आप मुझको कितना भी इसके अंदर टाइम लगेगा वो यहाँ पे देना है। फॉर्मेटिंग एंड क्लीनअप करके दूंगा और ग्राफ्स और टेबल क्रिएट करके दूंगा और जो रिवीजन होगा वो अनलिमिटेड रहेगा। प्राइस जो होगा $5 तक होगा। और जैसे कि यहाँ पर दे रखा है माई गिग्स एक्स्ट्रा, अगर कुछ एडिशनल कुछ काम होता है तो एक्स्ट्रा में मैं क्या चार्ज करूँगा उनको वो यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे लिखा 1 आवर 2 आवर कितने आवर्स के लिए, तो आप वहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में मैं 1 दिन में दे देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 3 दिन में। तो मैं एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा डिलीवरी करने के लिए उनसे $10 चार्ज कर सकता हूँ अगर उन्हें चाहिए होगा तो।
और जैसे कि यहाँ पे एडिशनल रिवीजन है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड किया है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है, और एक्स्ट्रा रिवीजन करने के लिए मुझको कितना दिन लगेगा, तो फिर मैं उसको 2 दिन कर लेता हूँ, और उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर कोई मेरे पास एक्स्ट्रा गिग है तो मैं यहाँ पे उसको उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन और उसका क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और उसमें क्या एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो हम ये डाल सकते हैं। तो आप जैसे ही अपना पैकेज जो है वो क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के लिए फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ हमें डिस्क्रिप्शन डालना होगा अपने काम का, और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो मैं अपना जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने पहले से बना के रखा है, पहले से मैंने बना के रखा है अपना डिस्क्रिप्शन, तो वो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। आप भी अपना डिस्क्रिप्शन जो है पहले से बना के रखें, जिससे कि आप फटाफट ये काम कर सकें। और यहाँ पर जैसे कि दे रखा है कि अगर कोई फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि 1 डाल के हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर हमने और इसी तरह से क्या नाम है अपने फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके दोबारा से ऐड कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने एक और ऐड कर लिया है, और हम अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 ऐड कर लिए हैं, तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है, तो जैसे कि टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्ट, आप स्टार्ट करने से पहले आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट डालेंगे। जैसे कि हमने कोई काम डाला, कोई हमसे काम कराना चाहता है, तो उस काम को करने के लिए मुझको क्या क्या डिटेल्स चाहिए वो आप मुझको पहले बता दीजिए। तो इसमें मैं डाल देता हूँ सेंड मी जस्ट कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ कोई इमेज अटैच करने के लिए कह रहा है, तो वो अटैच करते हैं। अभी इमेज हम अटैच नहीं करते हैं, हम यहाँ पे जैसे हमने एक ऐड कर लिया, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है, और अब यहाँ पे एक इमेज जो है अपने वर्क की इमेज, जैसे हम टाइपिंग वर्क का गिग बना रहे हैं, तो टाइपिंग वर्क का एक इमेज जो हो अपना वो अच्छे से ठीक करके यहाँ पे अपलोड करते हैं। बना के हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ये अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास अगर कोई वीडियो है तो आप अपनी वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपके पास कोई अपना PDF है तो आप यहाँ पे अपना PDF भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लिक करके यहाँ पे एक PDF जो है मैंने जनरली एक PDF जो है, वैसे इस फील्ड का है नहीं है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक अटैच करके दिखा दिया है कि आप यहाँ पे अपने काम का PDF हो, आपका वीडियो हो, जो आप अगर अपनी ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अपडेट करते हैं अपने काम से रिलेटेड, तो आपको पॉसिबिलिटी जो होती है काम मिलने की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम अब आगे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो गिग है ऑलमोस्ट हो गया है, और भी यहाँ पे पब्लिश गिग पे क्लिक करेंगे, इट इज़ लाइव। हमारा जो वो है गिग जो है वो अब लाइव हो चुका है। अब अपने गिग को मैं अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे शेयर कर सकता हूँ, और यहाँ से उसका लिंक कॉपी करके अदर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने ब्लॉग हैं, वहाँ पर भी मैं डाल सकता हूँ। तो दोस्तों इस फाइबर पे जो हमने टाइपिंग का गिग क्रिएट किया है, इससे आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो आप अप्लाई कीजिए। आप जैसे आपको बहुत श्योर है कि आपको 100% जॉब्स जो हैं टाइपिंग की यहाँ पे मिलने लगेंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है अपना गिग क्रिएट करने में या प्रोफाइल क्रिएट करने में, क्योंकि प्रोफाइल क्रिएट करने का मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक जो है हमारे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट देख लीजिए। फिर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो?
अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे इसी तरह का वीडियो सबसे पहले मिल सके।